पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अमरोहा में उस समय हड़कंप मच गया जब एक जैकेट के वेस्ट मटेरियल के गोदाम में आग लग गई। आग लगने से 40 से 50 हजार रुपए की कीमत का माल जल कर राख हो गया। आग लगने की सूचना के बाद भी मौके पर दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंची। स्थानीय लोगों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अमरोहा जनपद के नौगावा सादात कोतवाली इलाके के मोहल्ले पीरो वाले में जैकेट के वेस्ट मटेरियल के गोदाम में रखे बोरों में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसकी वजह से पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी, लेकिन दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंची, तो स्थानीय लोगों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से गोदाम में रखा 40 से 50 हजार का माल जल कर राख हो गया। बस्ती के बीचों बीच आग की सूचना पर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। शाहिद ने बताया कि गोदाम में जैकेट का वेस्ट मटेरियल रखा था, जिसमें आज आग लग गई। दमकल विभाग को भी सूचना दी गई, लेकिन दमकल विभाग की गाड़ियां नहीं आई। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। रंदा रखा हुआ था, लेकिन लाइट के शॉर्ट सर्किट से या किसी वजह से ये नहीं मालूम पड़ा और यहाँ आग लग गई है, लेकिन गांव बस्ती वालों ने आके बुझा दिए और यहाँ तक कोई गाड़ी आने की रास्ता इतना नहीं है, बहुत छोटी छोटी गली है, लेकिन यहाँ के रहने वालों ने मिलजुल के आग बुझा दी। अच्छा, दमकल की टीम नहीं आई यहाँ पे? दमकल की टीम कोई दूर दूर तक नजर नहीं है, लेकिन पुलिस वाले आए, ब्लास्ट में आए, बिजली के तारों की भी हो सकती है, जहाँ तक हमें भी लग रहा है कि बिजली के तारों से हुआ है। लगभग